कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के विवादित हुए बोल, कहा पीएम मोदी की हत्या करनी होगी, संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इन द सेंस हराने का काम करो, एफआईआर के निर्देश हुए जारी। ये मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इंदर साइज कराने का काम, कार्यकर्ता की उपेक्षा। तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश पहुंचा साइक्लोमेंडूस, चेन्नई में तेज बारिश की वजह से 13 फ्लाइट हुई कैंसिल, 131 साल में 13वां साइक्लोन। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के खाने के साथ हो रहा है खिलवाड़, आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को नहीं मिल रहा पर्याप्त भोजन, वहीं कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपना नाम ना बताने की शर्त में कहती है जो भी खाना आता है वह पर्याप्त नहीं है, 40 बच्चों के लिए जरा सा खाना आता है जिसका फायदा खाना बनाने वाले समूह ले जा रहे हैं। वहीं महिला विकास के अधिकारी को सब मालूम होते हुए भी इन समूहों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। सिंघम मूवी का गाना बजाते हुए गोलीकांड के आरोपी के घर पहुंची छतरपुर पुलिस, पुलिस को आरोपी तो नहीं मिला लेकिन उसके परिवार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया कि आरोपी खुद को पुलिस के हवाले करे, अन्यथा पुलिस, नगर पालिका और राजस्व विभाग के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई करेंगे। पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता ने किया बड़ा खुलासा, आरोपियों के पास से कट्टा कारतूस भी हुई बरामद, कुलगवा थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अवना के सिपाही टीम द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत मोहम्मद एहसानिया हायर सेकेंडरी स्कूल में सौभाग्य केसरी भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष के मुख्य आतिथ्य में बेटियों को गर्म वस्त्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम संयोजक उमेश साहनी ने बताया कि गत वर्ष की भांति आज 30 बेटियों को गर्म टोपी, मोजे, दस्ताने देकर किया गया सम्मान। नामजद और कुछ महीने पहले राजेंद्र नगर में चिकन खरीदने के विवाद में सेना के जवान पर प्राण घातक हमले के मामले में फरार चल रहे आरोपी अमर प्रकाश चौधरी की बर्थडे पार्टी में धाएं धाएं चली गोली, उमर खान पतेरी ने देसी कट्टे से किया हवाई फायर, इंस्टाग्राम पर ठाकुर सूर्या 786 की आईडी से पोस्ट हुआ वीडियो, 7 सितंबर को बनाया गया वीडियो, कोतवाली पुलिस वीडियो वायरल होते ही हरकत में आई। में पानी का संकट, बच्चे सहित शिक्षक भी परेशान, रामपुर परखुरी शासकीय माध्यमिक विद्यालय में पिछले कई महीनों से पीने के पानी का संकट बना हुआ है, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ही नहीं बल्कि शिक्षक भी पीने के पानी की समस्या से हैं परेशान, में मजबूरी में बच्चों को घर जाकर खुद तो पानी पीना पड़ता है और साथ ही स्कूल के शिक्षकों को भी घर से पानी भरकर लाना पड़ता है, कई दिनों से पानी का नल भी खराब है तथा वाटर सप्लाई पूरी तरह बंद है, स्कूल के शिक्षकों ने बताया कि इसके बारे में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को बताया गया है लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। जी हाँ, विभाग को दिए हैं, बीआरसी कार्यालय को दिए हैं, जिला पंचायत में भी दिए हैं, पीएससी विभाग को भी दिए हैं। वहाँ से क्या संस्था मिली आपको? दिए हैं कि आपके यहाँ देखने भी आए थे अगले साल, लेकिन उसमें क्या हुआ है कि बोर मशीन यहाँ आ नहीं रही है जी। जो बड़ी वाली है, एक ठेकेदार आया था पीएससी विभाग के साथ जी, उसने बोला कि हमारे साहब इसमें हम बोर तो हमारा पास है आपका एक साल हो गया लेकिन इसमें वजह क्या है कि मशीन नहीं आ रही है जी, भारी मशीन। हम कंप्रेसर वाले की बात की है तो बोला कि मेरा टेंडर सर उसका है 6 इंची का, इसलिए हम छोटी मशीन से नहीं कर सकते जी। चल, मतलब आपने प्रयास किया? ये बहुत प्रयास किया 2 साल से। ठीक, थैंक यू। मैहर के गोलानट मंदिर और बड़ा अखाड़ा पहुंची उमा भारती की पूजा अर्चना और बड़ा अखाड़ा महाराज के किए दर्शन, गाय के बछड़े को अपने हाथ से खिलाया फल। मेरठ में कुंडल लूटकर भाग रहे बदमाशों से भिड़ी छात्रा, कॉलर पकड़कर सड़क पर घसीटा, वारदात के समय रिया शोर मचाते हुए बदमाशों से जूझती रही लेकिन लोग तमाशबीन बने रहे, मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया, 6 घंटे में ही पुलिस को बदमाशों से हुआ एनकाउंटर, दोनों को गोली लगी, पुलिस ने दोनों बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार।
सिवनी में बाघ के हमले से युवक की मौत। ग्रामीण में आक्रोश नहीं उठाने दिए वन विभाग व प्रशासन, गाड़ियों के साथ की तोड़फोड़। इसी दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग व प्रशासन की आधा दर्जन गाड़ियों में की तोड़फोड़ और उन्हें पलटा दिया। मौके पर पहुंचे पेंच टाइगर रिजर्व के पशु चिकित्सक डॉक्टर अखिलेश मिश्रा के सिर पर किया लाठी चार्ज।